रसन के झालावाड़ से भी एक बड़ी दुर्घटना सामने आई है। परवन नदी में बहने से 15 लोगों के डूबने की सूचना है। इनमें से 11 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। वहीं एक जने की मौत हो गई। इसके अलावा करीब आधा दर्जन लोग अभी भी पानी में फंसे हुए बताए गए हैं, जिन्हें निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि यहाँ बारिश के बाद नदी को पार करना मुश्किल हो जाता है। आप देख सकते हैं कि नाव में स्कूटी और उसके साथ मौजूद यह महिला अकलेरा इलाके में एक सरकारी चिकित्सालय में डॉक्टर है, जो बारा जिले की रहने वाली है। इनकी मजबूरी है कि परवन नदी पर बारिश होने के कारण इन्हें इसी तरीके से पैसे देकर नाव में गाँव का सफर तय करना होता है। दूसरी तस्वीर एक बुजुर्ग महिला और 2 साल के मासूम बच्ची की है, जो अपने गांव के लिए इस जानलेवा नाव का सहारा चुन रही है। लेकिन इसके अलावा इनके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि परवन नदी की पुलिया पर पानी है और किस कदर सवारी वाहन अपने कुछ लालच के लिए सवारियों की जान खतरे में डालकर वाहन निकाल रहे हैं। यहाँ नाव चालक 5 रुपए से लेकर 100 रुपये भी लोगों से लेकर जिंदगी से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ अकलेरा थाने के 2 जवानों की ड्यूटी लगा रखी है, ताकि कोई भी अवैध नाव का संचालन यहाँ ना हो सके। लेकिन इसके अलावा वाहनों को रोकने के लिए भी पुलिसकर्मी हैं। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी इन अवैध नाव चालकों को रोकने के बजाय मंदिर में बैठकर मोबाइल पर व्यस्त नजर आ रहे हैं। शायद ये पुलिसकर्मी अगर अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाते तो आज इतना बड़ा हादसा नहीं होता। अकलेरा के पास परवन नदी है। छिपापड़ोत से अकलेरा की तरफ से 10-12 लोग नाव में बैठ के आ रहे थे। एकदम से तेज बहाव से पानी आने की वजह से नाव पलटी मारी है, ऐसी सूचना है। 5-6 लोग बच के निकल गए हैं तैर के, और बाकी लोगों की खोजबीन जारी है। बहरहाल नदी में बहे बाकी लोगों की तलाश की जा रही है।